एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज दिन है रविवार और सुबह का टाइम है, पर यहाँ पे मौसम इतना खराब है, दिल्ली में लग रहा है जैसे शाम हो गई हो। धूप नहीं आ रही यहाँ पे बिल्कुल भी। और बस हम छत पे आए हुए हैं अभी और मैं आपको मिलाती हूँ अपनी मम्मी से। ये है मेरी मम्मी। मम्मी हेलो करो। हेलो बेटा। हेलो मम्मी और मैं छत पे आए हुए हैं, यहाँ पे धूप सेक रहे हैं और बच्चे अभी सारे छत पे आए थे तो नीचे चले गए हैं बच्चे सारे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद में आई हूँ मम्मी के पास। 4-5 महीने हो गए थे मुझे, मैं आई नहीं थी यहाँ पे, तो अभी आए हैं। और आज भाभी ऑफिस जाती है, वैसे आज भाभी की छुट्टी है तो भाभी नीचे लंच बना रही है और दीदी लोग भी मेरे आए हुए हैं मिलने के लिए मुझसे। तो चलते हैं नीचे। इनको देखो, ये भुक्कड़, तीन भुक्कड़, गांधी जी के तीन भुक्कड़, गांधी जी के तीन बंदर। तुम लोगों का लंच नहीं करना है क्यों? ऑरेंज खाओ बस, है ना? टेस्टी है। निहाल आके कौन खाता है खाना? निहाल आके खाना नहीं खाते। धूप भी नहीं आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। आज नहीं आ रही धूप। और ये इनको देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। किसकी नकल कर रहा है तू? इंडियन मॉम चंद्रा। तो चलते हैं नीचे। गोजो क्या हो गया बेटा? गोजो। ये है हमारा गोजो, मेरी दीदी का डॉग है ये। दीदी और जिया जी आए हुए थे यहाँ पे, तो वो बच्चों को नहीं लाए थे, बच्चे ट्यूशन गए होंगे और अपने डॉग को लेके आए थे साथ में, क्योंकि बच्चे उसको देख नहीं पाते हैं, उसकी पूरी केयर करनी होती है। अभी छोटा ही है ये, 7-8 मंथ का है, तो इसकी पूरी केयर करनी होती है, तो दीदी अपने साथ में ही लेके जाती है इसको। बच्चों के टॉयस वगैरह इसको कुछ भी मिल जाए तो पूरे फाड़ के रख देता है ये, इसको खेलता है उन चीज़ों से। और इसके दांत अभी इतने ज़्यादा तो बड़े नहीं हैं, पर फिर भी डॉग्स के दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो ये फाड़ देता है पूरे अच्छे से। पूरे डॉल को इसने जाते जाते तक पूरे फाड़ के रख दिया था, रेड वाला ये। और आयुष इसके साथ खेल रहा है। तो चलिए, यहाँ पे मम्मी बोल रही है लंच करने के लिए कि लंच कर लो, टाइम ज़्यादा हो गया था, 2:30 हो गया था टाइम और हमारा लंच हुआ नहीं था अभी तक। तो चलिए पहले लंच करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। कैसा है खाना? खाओ खाओ खाओ। आपने बनाया ना? अच्छा नहीं है। अम्मा ने बनाया है। अच्छा अच्छा है। तो ये है दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं आ गई थी छत पे। तो मम्मी ने थोड़ा सा कपड़े वॉश करके रखे हुए थे। मम्मी कपड़े वगैरह नीचे वाले वॉशरूम में ही धोती है, ऊपर नहीं आती वो धोने के लिए, क्योंकि वो ऊपर चढ़ती है फिर नीचे जाती है तो थक जाती है बहुत ज़्यादा, तो नीचे के वॉशरूम में ही वो धो लेती है कपड़े। और मैं छत में आ रही थी तो मैं कपड़े लेके आ गई सुखाने के लिए, तो कपड़े सुखा देते हैं और फिर थोड़ा देर धूप सेकेंगे। मम्मी भी अभी आएगी छत पर धूप सेकने के लिए और फिर थोड़ी देर हम लोग धूप सेकेंगे, फिर लंच बनाने के टाइम पर जाएंगे नीचे। चली गई है घर, शाम को ही वो चली गई थी, थोड़ा देर के लिए आए थे वो लंच पे, क्योंकि बच्चों को लेके नहीं आई थी तो इस वजह से वो रुकी नहीं यहाँ पे। बच्चों के क्लासेस चलती हैं और ट्यूशन जाते हैं दोनों बच्चे, तो दीदी बच्चों को लेके आई नहीं थी तो वो चले गए हैं। और यहाँ पे बन रही है अब चाय, तो मैं बनाती हूँ अभी चाय जल्दी से, फिर चाय पीते हैं बैठ के। Thank you.
चाय बनाने के साथ साथ ही बच्चों के लिए मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे लेट उठे और उन्होंने ब्रेकफास्ट करा नहीं था। तो यहीं पे हमारे घर के सामने ही शॉप है एक, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है सामान। तो बच्चों को एग खाना बड़ा पसंद है, दोनों बच्चों को मेरा, तो उनके लिए मैं एग बनाऊँगी, ऑमलेट बनाऊँगी और रोटी खाएँगे वो एग के साथ। तो चाय मैंने चढ़ा दी है, जब तक चाय मेरी हल्की आँच पर पकती रहेगी और साथ ही साथ बच्चों के लिए खाना भी बना दूँगी। तो लाओ मम्मा को दो पैसे, ठीक है चलो। ऑमलेट में यहाँ पे खाली नमक डालूंगी ऑमलेट में, और कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े नखरे करते हैं खाना खाने में। ये ना प्याज खाते हैं ना मिर्च खाते हैं ज़्यादा, तो बस खाली नमक के साथ इनको ऑमलेट बना के दे दो और इनको कुछ नहीं चाहिए होता है उसके आगे। बहुत पसंद करते हैं और उसके साथ अच्छा खासा खाना भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे चाय बनके तैयार हो गई। मैंने गुड़ वाली चाय बनाई थी, सर्दियों में गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। और बस मैं और मम्मी चाय पियेंगे और थोड़ा देर बातें करेंगे आराम से बैठ के। और यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं आपको मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।